गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार फटाफट अटेंडेंस के लिए आप लोग रेज हैंड करके बताएं कितने लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है, फिर फटाफट अपन आगे देखें। रेज हैंड करके बताओ बच्चों कितने लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है, डू फास्ट। चलिए अब अपन क्लास को आगे देखते हैं। क्लास के अंदर आगे स्टडी करेंगे, एक बार पुरानी ओम्स लॉ की डेफिनेशन को दोबारा देखेंगे, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को देखेंगे। दैट द स्टेटमेंट सेज कीपिंग द फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट या करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड्स। वहां से मेरे पास फॉर्मुला निकल के आता है V इज इक्वल टू आई आर, वेर आर इज द रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस अपन ने यह देखा कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंडक्टर किसको, करंट के फ्लो को, चार्जेस के फ्लो को, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसको कंबाइन करेंगे तो अपने पास बनता है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेंथ एरिया को डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ये चीज को याद रखना है। व्हेनेवर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, व्हेनेवर वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट, एंड हियर द कांस्टेंट इज रो, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आर एच ओ, रो से प्रोनाउंस करते हैं। नाउ व्हाट इज रो, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, or we can say that this is resistivity, of a material. Now, अभी अपन ने देखा resistance material का length बढ़ाने पे बढ़ जाता है, area बढ़ाने पे कम हो जाता है, temperature के साथ भी resistance का कुछ ना कुछ variation रहता है, but material की एक ऐसी property होती है which is known as specific resistance which does not change, and this specific resistance is constant for a single material. That means अगर मैं इंडिया के अंदर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करता हूं, मैं माइनिंग की और माइनिंग करके कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया, एंड सेम कॉपर को मैंने एक्सट्रैक्ट किया इन यूएसए, इन यूरोप, इन ऑस्ट्रेलिया, तो हर जगह अगर मैं उस कॉपर की रेजिस्टिविटी को चेक करूंगा, किसको, रेजिस्टिविटी को, तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। Now, the formula for resistance comes out to be R is equal to rho L upon A, in which, what is this rho? Rho is specific resistance, L is the length of conductor, A is the area of conductor. और rho किस पे depend करेगा, कि rho depend करता है या specific resistance depend करता है किसके ऊपर, material के ऊपर। Now, specific resistance will be different for gold, specific resistance will be different for silver, and it will be different for copper, and जितने भी metals मैं लेता जाऊंगा, जितने भी materials मैं लेता जाऊंगा, सबके लिए specific resistance की value क्या आती है, different आती है, clear? This is the calculation of, or this formula helps us to calculate the value of resistance in a circuit. चलिए अब आगे बात करते हैं। Now एक और point देखेंगे, that point states that resistance of any material, any की जगह इसको metals लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, metals, resistance of metals increases with the increase in temperature. याद रखना क्या बात बोली है यहां पर, कि अगर मैं मेटल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, मेटल्स की, तो मेटल्स का रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है किसके साथ, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका रीजन ये होता है, जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो द वेलोसिटी विद विच charged particles are moving inside a conductor, when we increase the
टेम्परेचर, द वेलोसिटी विद विच चार्ज पार्टिकल मूव्स इनसाइड ए कंडक्टर, इट ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो जो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी थी, कोलिजन्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कोलिजन करता है, उस कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होता है, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. तो आपको याद क्या रखना है, दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस. क्लियर? चलिए यहां पर अपना रेजिस्टेंस टॉपिक के बेसिक पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं. अब अपन देखते हैं डिफरेंट सिंबल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर इलेक्ट्रिक सर्किट. तो आपके पास, आपके सामने कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे और इस सिंबल के अंदर अपन देखते हैं धीरे धीरे कि विच सिंबल क्या दिखाता है. देखिए, अगर मेरे पास दो ऐसी लाइन्स हो, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कनेक्टेड टू टू डिफरेंट टर्मिनल्स, तो अपन इसको बोलेंगे क्या, सेल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेल. सेल कैसे, पहचान क्या है सेल की? सेल का मतलब होता है भाई, ये भी वही चीज है. देखो, सेल आपको दिखाया था, आपने रिमोट के अंदर भी देख सकते हो, उसे भी सेल बोलते हैं. सेल का मतलब क्या है, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होगा. पॉजिटिव ये बड़ा वाला टर्मिनल है, नेगेटिव ये छोटा वाला टर्मिनल. अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यूज कर लूं, क्या यूज करूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. देखो, मैंने यहां पर तीन सेल एक साथ लगा रखे हैं, बैक टू बैक टू बैक. जब मैं तीन सेल एक साथ लगाता हूं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच इज नोन एज बैटरी. क्या बोलेंगे भैया इसे? बैटरी बोलेंगे. आगे फिर अपन ने एक और डिवाइस देखा. इस डिवाइस के अंदर एक सर्कल बना रखा है, सर्कल के बीच में क्या है, एक वी नाम का वी लिखा हुआ है. और कल ही अपन ने देखा था सर्कल के अंदर ऐसे वी लिखा हुआ. दिस डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर. दिस डिवाइस इज नोन एज वोल्ट मीटर विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट. विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट. नेक्स्ट डिवाइस इज सर्कल के अंदर ए लिखा हुआ है. दिस डिवाइस इज नोन एज एमीटर. इसको क्या बोलेंगे अपन? एमीटर बोलेंगे. देखो, इसके बाद यहां पर ये क्या है, zigzag लाइन. zigzag लाइन कल अपन ने देखा था रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, zigzag लाइन से. तो दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज दिस? ये देखो, यहां से ये सर्किट आया, ऐसे zigzag लाइन बनी, फिर एक एरो बना दिया ऐसे. नाउ दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस. देखो ध्यान से, कल अपन ने बात की थी कि जब भी अपन रेजिस्टेंस या बैटरी पे ऐसे एरो बना देंगे, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ सिंबल शोज वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब अपने घरों में स्विच बोर्ड्स पे क्या लगा, स्विच लगे होते हैं. स्विच का काम क्या होता है, सर्किट को ऑन ऑफ करना है. ऐसे ऑन की तरफ फिर ऑफ की तरफ, ऑन ऑफ आप करते ही हो गए. भाई फैन स्विच ऑफ, स्विच ऑन करना है तो आप स्विच बोर्ड पर जाके उसका पर्टिकुलर बटन जो है उसको ऑन कर देते हो. ऐसे ही दिस इज नोन एज की. दिस इज नोन एज की. ये भी क्या होती है? की होती है. की कुछ नहीं है, की का मतलब होता है, की का मतलब होता है स्विच ऑनली. ये सर्किट के अंदर ऑन और ऑफ क्रिएट करता है सिचुएशन. ऑन कब होगी? जब अपन बीच के अंदर ऐसे एक डॉट बना देंगे. देखो, दो ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट से दो टर्मिनल्स निकाले, बीच में अगर एक डॉट बना दिया, दिस टाइप ऑफ की इज नोन एज क्लोज्ड की. क्या बोलते हैं इसे? क्लोज्ड की. और अगर बीच में डॉट नहीं है, इसको बोलते हैं ओपन की. इसको क्या बोलते हैं? ओपन की. क्लोज्ड की का मतलब होता है सर्किट अभी क्या है? ऑन है. सर्किट अभी क्या है? ऑन. और ओपन की का मतलब होता है सर्किट अभी क्या है? ऑफ. याद रखना है बच्चों इसे. जिस तरीके से अपने घरों में स्विचेस होते हैं, वो स्विचेस का काम सर्किट के अंदर अपन किससे दिखाते हैं? की से दिखाते हैं. की को दो तरीके से बना सकते हैं, एक ओपन एक क्लोज. अगर ओपन बनाया, दैट मीन्स बीच में डॉट नहीं लगाया. डॉट नहीं है, इसका मतलब सर्किट क्या है? बंद है, ऑफ है. बीच में डॉट लगा दिया, दैट मीन्स सर्किट क्या है? क्लोज है. क्लोज का मतलब सर्किट क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए. समझ में आई बात? आगे क्या दिख रहा है? देखो, तीन कंडक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिलते दिखते हैं. दिख रहे हैं? ये देखो, एक कंडक्टर ऊपर से आया, एक इधर से आया, एक इधर से आया. इसको बोलते हैं जंक्शन. क्या बोलते हैं? जंक्शन. क्या बोला इसे? जंक्शन बोला. आगे क्या दिख रहा है? कुछ ऐसे हार्ट टाइप का शेप दिख रहा है. दिस हार्ट शेप इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब. इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब और फिलामेंट. और फिलामेंट आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंशन है किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था. एंड उन्हीं ने सबसे पहले टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हुए लाइट बल्ब की इन्वेंशन की थी.
चलिए, तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स हैं जो अपन अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे। एक और सिंबल आता है कुछ इस तरीके से, ये लाइन बनी हुई है और ऐसे ये दूसरी वायर आई और यहां पर एक ऐसा कर्व बना, फिर ऐसे नीचे चली गई, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिंबल इज नोन एज ब्रिज, दिस टाइप ऑफ सिंबल इज नोन एज ब्रिज। ब्रिज क्या बताता है, दैट ये एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो ए कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो ए कंडक्टर। एक कंडक्टर ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, एक कंडक्टर ऐसे आ रहा है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कंडक्टर एंड वर्टिकल कंडक्टर, दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बट कॉन्टैक्ट में नहीं है। इस कर्व साइन का मतलब है कि इन दोनों कंडक्टर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये अगर कॉन्टैक्ट में आ गए, इसको अपन क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, जहां पर तीन या तीन से ज्यादा लाइन आके मीट करें। समझ में आई बच्चों? दीज आर द डिफरेंट सिंबल्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर इलेक्ट्रिक सर्किट, विच वी आर गोइंग टू यूज इन आर इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आज तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा वो थ्योरिटिकल चीजें थी, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, थोड़े बहुत ही फॉर्मूले थे। अब जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे और मेजर पोर्शन न्यूमेरिकल का ही रहेगा। एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आज से जो हम पोर्शन शुरू करने वाले हैं वहां से क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स न्यूमेरिकल्स यहां से बनते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए तो बहुत ही ईजी टॉपिक है। समझ में आई बात? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि आपने पिछला पोर्शन रिवाइज कर लिया है। टुडे इन योर व्हाट्सएप ग्रुप नोट्स विल बी, नोट्स आर रेडी, टुडे इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आई विल अपलोड द नोट्स, आप आज शाम को उस नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो अब अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड पार्ट विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कैसे इनको अपन समझेंगे। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब, हमने कुछ रेजिस्टर्स लिए और उनको एंड टू एंड जोड़ दिया। एंड टू एंड का मतलब एक रेजिस्टर जहां पर शुरू हुआ, फिर वही रेजिस्टर जहां खत्म होता है, खत्म जहां हुआ वहीं से अपन ने दूसरा रजिस्टर जोड़ दिया, फिर ये जहां खत्म हुआ वहीं से तीसरा जोड़ दिया। तो देखो, ये पहला जहां खत्म हो रहा है वहीं से अपन ने दूसरा जोड़ दिया, वहीं से अपन ने तीसरा जोड़ दिया एंड सो ऑन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज। एक के बाद एक, दिवाली पे जब अपन घरों की छतों पर लाइटें लगाते हैं तो अपन सारी लाइट्स को एक साथ ऐसे लाइन में जोड़ के छतों पर लगा देते हैं। दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। इस बार जब दिवाली आएगी तो आप लोग अपने पापा के साथ छत पे जाके देखना, उनको बोलना कि पापा दिखाओ कि कैसे लाइट्स जोड़ी जाती हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सारी लाइट्स को अपन एक साथ ऐसे लाइन में जोड़ के एक ही वायर से कनेक्ट करके फिर उसको लग इन करते हैं। दैट टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज कनेक्शन। अब हमारे घरों के अंदर जो फिटिंग हो रखी होती है, ट्यूबलाइट की, फैन की, इन सब की जो फिटिंग हो रखी होती है, इस टाइप के कनेक्शन को अपन बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। देखिए कैसे, अगर मैंने क्या किया, एक टर्मिनल से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकाल दी, एक ही टर्मिनल से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकाल दी और इन ब्रांचेस के अंदर अलग अलग रेजिस्टर्स को लगा दिया, इन ब्रांचेस में अलग अलग रेजिस्टर्स को लगा दिया कुछ ऐसे, और फिर से वापस इसको जोड़ के आगे ले गया। देन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज पैरेलल अरेंजमेंट। देखो, एक अपन ने अरेंजमेंट देखा,
सीरीज अरेंजमेंट जिसके अंदर एंड टू एंड अपन ने रजिस्टर्स को जोड़ा था, एक टाइप का अरेंजमेंट अपन देख रहे हैं पैरेलल अरेंजमेंट जिसके अंदर हर रजिस्टर के एंड्स सेम टर्मिनल्स पे जुड़े हैं। देखो R1 का एक एंड A से जुड़ा हुआ है, एक एंड B से जुड़ा हुआ है, R2 का भी एक एंड A से जुड़ा हुआ है, R2 का एक एंड B से जुड़ा हुआ है, ऐसे R3 का एक एंड A से जुड़ा हुआ है, R3 का एक एंड B से जुड़ा हुआ है। यहां पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मिलता है, कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ब्रांच्ड, देखो ब्रांचेस बनी हुई खूब सारी, बट यहां पर क्या लेता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है, कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, लीनियर, एक लाइन के अंदर दिखता है सब कुछ, एक लाइन में सारे रजिस्टर्स दिखेंगे, दैट टाइप ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज, ब्रांच के फॉर्म में दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे, समझ में। चलिए अब देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, दिस इज द बैटरी, अभी अभी अपन ने पढ़ा बैटरी का सिंबल क्या होता है, तो ये अपन ने इसको किससे जोड़ा, बैटरी से जोड़ा, ऐसे ही अपन इधर भी इसको किससे जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया बैटरी से, जोड़ दिया। अब देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए बैटरी के पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है, बैटरी एनर्जी लेकर आती है, तो बैटरी यहां पर पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से यहां पर एक करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, देखो ऐसे करंट फ्लो करेगा, यहां पर भी ऐसे करंट फ्लो करेगा, बट देखो करंट जब इस जंक्शन को, जंक्शन के पास आएगा, मान लेते हैं यहां पर आई करंट है, कितना करंट है आई, करंट जब इस जंक्शन पर आया तो करंट क्या हो गया यहां पर डिवाइड, करंट क्या हो गया डिवाइड, करंट क्या हो गया डिवाइड, जब यहां से ये तीनों डिफरेंट करंट्स वापस इस जंक्शन पे आएंगे तो एक करंट वापस से मिलके क्या हो जाएगा आई, और ये वापस से मिलके क्या हो गया आई, ठीक है। यहां पर अपन एक एमीटर भी जोड़ देते हैं, यहां पर अपन एक एमीटर भी जोड़ दिए, सिमिलरली इधर भी अपन क्या कर देते हैं, एक एमीटर जोड़ देते हैं, इधर भी अपन एक एमीटर जोड़ देते हैं, एमीटर जोड़ दिए। यहां पर अपन क्या देखते हैं, ध्यान से देखो, कल अपन ने देखा था पैरेलल में क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, सिमिलरली यहां पर भी पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, एंड इधर भी पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया, इस तरीके से, ठीक है। चलिए तो कुछ इस तरीके से अपन ने सर्किट्स बनाए हैं फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन और फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिख रहा है ये ब्रांच्ड है, ये लीनियर है, दोनों को अपन ने बैटरी से जोड़ा, दोनों को अपन ने बैटरी से जोड़ा। अब मानते हैं अपन, देखो ध्यान से, हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि या तो ये तीनों को सीरीज में ऐसे लगा दो, या तो ये तीनों को सीरीज में R1, R2, R3 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दो, या फिर अपन इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब कि इन तीनों का एक साथ कंबाइंड इफेक्ट कितने रेजिस्टेंस के बराबर होगा, वो अपन चेक करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जब मैं किसी सर्किट में ऐसे R1, R2, R3, R4 अप टू सो ऑन रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दूंगा, तो उनका कंबाइंड इफेक्ट कितने रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं दैट कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स इज शोन बाय दिस, अपन ने एक ही रेजिस्टर बनाया, उसको एक ही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं कि दिस इज द कंबाइंड और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स, क्लियर, ये एक कंबाइंड क्या देता है, इफेक्ट देता है, किसका, इन तीनों का। अब अपन ध्यान से देखो, जब हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, तो यहां पर अपन को पता चलता है दैट दीज थ्री रेजिस्टर्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल V1, V2 एंड V3 पोटेंशियल्स। अगर मैं इन तीनों के अक्रॉस वोल्ट मीटर्स लगाऊं और मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि टोटल पोटेंशियल तो V था, और ये टोटल पोटेंशियल V क्या कर जाता है, इंडिविजुअल पे डिवाइड कर जाता है, दैट मींस टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल V1, V2 एंड V3, इंडिविजुअल पोटेंशियल V1, V2 एंड V3। वी नो दैट ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, ये अभी अभी अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, चलिए V इज इक्वल टू आई आर अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, यहां पर फॉर्मूले को पुट करते हैं। देखो करंट की वैल्यू, जो आई करंट यहां से फ्लो किया वही R1 से गया, वही R2 से गया, वही R3 से गया, और वही घूम के कहां आ रहा है, बैटरी में आ रहा है। जो करंट यहां से घूम के गया वही तीनों से घूम के वापस बैटरी में आ रहा है, दैट मीन्स अपन यहां पर ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V1 कैन बी रिटन एज
आई इंटू आर वन, देखो वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, और तीनों में से सेम करंट जा रहा है तो अपन लिख देते हैं वी वन इज इक्वल टू आई इंटू आर वन प्लस वी टू इज इक्वल टू आई इंटू आर टू प्लस वी थ्री इज इक्वल टू आई इंटू आर थ्री इज इक्वल टू वी. वी कैन बी रिटन एज आई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. यहां से वी को डिवाइड में ले गए आई, तो वी बाय आई यहां से क्या निकल के आया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. एंड वी बाय आई किसके बराबर होता है, देखो यहां से अगर आई को नीचे ले आऊं तो वी बाय आई बन के आता है आर के बराबर. नाउ व्हाट विल बी माय फॉर्मूला, माय फॉर्मूला बिकम्स आर इक्विवेलेंट, दैट मींस द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टर्स. अगर मैं सीरीज में 10 रेजिस्टर लगा दूं, कैसे, यहां पर देखो, अगर मैं सीरीज में 10 रेजिस्टर ऐसे लगा दूं, चार लगाए मैंने, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम और ये है 5 ओम. मुझसे किसी ने पूछा सर ये बताओ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मैंने कहा चलो किसमें दिखते हैं ये, सीरीज में दिखते हैं. तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट मतलब आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, डायरेक्ट ऐड करो आंसर निकलेगा. तो अपन ने क्या किया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5. व्हाट विल बी द आंसर, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14 ओम. डायरेक्टली ऐड करते ही आंसर निकल जाता, समझ में आई बात. दिस इज द वे टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज के लिए कोई भी आपसे पूछे तो डायरेक्टली ऐड कर दो, आंसर निकल जाएगा, वेरी इजी. याद रखने की बात क्या है, याद रखने की बात यह है दैट करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम बट पोटेंशियल divides itself. Potential divides itself. मतलब ये क्या बोल रहा है कि potential तो क्या है, total potential V1, V2, V3 and so on में divide हो जाएगा, but current की value तीनों से क्या रहती है, same रहती है. This is the very important point, most important point which you have to learn for the series combination. आज से मैं आपसे अगर 10 class बाद, 1 class बाद, चाहे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपसे ये पूछूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है और क्या डिफरेंट रहता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हर रजिस्टर से करंट की वैल्यू तो क्या रहती है, सेम रहती है, बट पोटेंशियल खुद को क्या कर लेता है, डिवाइड कर लेता है. ये आपका आंसर होना चाहिए, इसको याद कर लो बच्चों, करंट हर रजिस्टर से सेम, पोटेंशियल हर रजिस्टर पे डिवाइड, याद रखना है इस चीज को. अब चलते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ध्यान से देखो. देखिए अब लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर द पॉइंट विच वी हैव टू लर्न इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, देखिए करंट आया बैटरी से ऐसे और क्या हो गया, डिवाइड. करंट आया बैटरी से ऐसे और क्या हो गया, डिवाइड. फिर आगे जाके वापस मिल गया और फिर बैटरी में चला गया. देखो करंट आया, जंक्शन आया, जंक्शन दिखते करंट क्या हो गया, डिवाइड. करंट हो गया डिवाइड, फिर आगे मिलके वापस क्या बन गया, आई करंट बन गया. ये चीज को याद रखना है. तो याद क्या रखेंगे यहां पर, करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल देखो क्या इसके रजिस्टर का आर वन एंड ए से कनेक्टेड है. देखो ए ये वाला पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को भी ए मान रहे हैं, बी ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को भी बी मान रहे हैं.
R1 का एक एंड किससे कनेक्टेड, बी से कनेक्टेड, R2 का भी एक एंड बी से कनेक्टेड, R3 का भी एक एंड बी से कनेक्टेड, ऐसे ही R1 का एक एंड, सॉरी दिस इज ए पॉइंट, सॉरी R1 का एक एंड ए से कनेक्टेड, R2 का भी ए से और R3 का भी ए से, सिमिलरली दूसरा एंड बी से, दूसरा एंड बी से, दूसरा एंड बी से कनेक्टेड। तो क्लियरली अपन को दिखता है ए बी इज कनेक्टेड टू द बैटरी, दैट मीन्स तीनों पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है सेम, बट द करंट गेट्स डिवाइडेड, बट द करंट गेट्स डिवाइडेड बिकॉज यहां पर क्या आ जाता है जंक्शन, करंट को दिखते तीन रास्ते, करंट यहां तक पहुंचा इसको दिखे तीन रास्ते, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, तो करंट सोचता है तीनों से ही चलते हैं, थोड़ा बहुत डिवाइड कर देता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, थोड़ा बीच में चला जाता है, थोड़ा लास्ट में चला जाता है। इसी तरीके से करंट गेट्स डिवाइडेड बट पोटेंशियल रिमेन्स सेम। अब देखो जो कहानी अपन ने सीरीज में पढ़ी ठीक यहां पर उसकी उल्टी हो गई, सीरीज में करंट सेम रहता था, यहां पर करंट डिवाइड हो गया, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता था, यहां पोटेंशियल सेम हो गया। ये चीज को याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार लगा के याद रखेंगे इस बात को। चलिए ध्यान से, अब वी कैन से दैट टोटल करंट इज आई, टोटल करंट इज आई विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, सो I विल बी इक्वल टू V/R, I विल बी इक्वल टू V/R। अब देखो I1 करंट कहां फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है इन दिस ब्रांच, I2 इन दिस ब्रांच, I3 इन दिस ब्रांच, सो वी कैन से दैट I1, I का फॉर्मूला होता है V/R, I1 की जगह अपन लिख सकते हैं V/R1। सिमिलरली फॉर I2 वी कैन राइट इट एज V/R2, सिमिलरली फॉर I3 वी कैन राइट इट एज V/R3, एंड हेयर वी कैन राइट I। यहां से अपन क्या करेंगे, V को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हेयर वी कैन राइट इट एज I। V को यहां से ले लिया डिवाइड में, दिस बिकम्स I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस कैन बी रिटन एज, देखो ध्यान से, V/I होता है R, तो I/V क्या हो जाएगा 1/R, सो वी कैन राइट इट एज 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखने की बात क्या है, करंट सीरीज में सेम रहता है, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड हो जाता है, पोटेंशियल पैरेलल में सेम रहता है। दीज थिंग्स आर टू बी लर्न बाय हार्ट। नाउ इसका ही अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा तो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा कुछ ऐसे, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, यहां पर बन जाएगी बैटरी, ये बन गई मेरे पास बैटरी, V पोटेंशियल, R इक्विवेलेंट, I करंट, और R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखने की बात क्या है, अभी अपन लिख लेते हैं, देखिए फॉर्मूला अभी अपन ने डिराइव किया, ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉपी में आपको ऐसा का ऐसा ही डेरिवेशन पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, SI यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है। किसके नाम पे रखी गई, जिसके ऊपर जो जिन्होंने इसको स्टडी किया, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, उनके नाम पे। चलिए उसके बाद अपन ने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे, फॉर्मूले देखे, अब उस पे क्या करते हैं एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एग्जांपल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो, थोड़ा और दिमाग खुले, क्वेश्चंस के अंदर गलती ना हो। देखो बच्चों, एक तरफ अपन लिखते हैं फॉर्मूले और एक तरफ अपन करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, सीरीज के लिए फॉर्मूला रहता है, सीरीज का फॉर्मूला रहता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे डायरेक्टली उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये सीरीज का फॉर्मूला रहता है। करंट इन सीरीज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पोटेंशियल इन सीरीज गेट्स डिवाइडेड, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
सिमिलरली जब पैरेलल की बात करूंगा, पैरेलल की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या रहता है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन। करंट क्या रहता है, डिवाइड कर जाता है, बट पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड कर जाता है। देखो एक याद करो कि दूसरा उसका उल्टा ही है, समझ में आई बात। देखो ये वाला सीरीज याद कर लो, करंट सेम पोटेंशियल डिवाइड, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाएगा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उल्टा कर देना। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री एंड सो ऑन। यहां पर बस इसको वन अपॉन में लिख देना, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। तो चलिए ध्यान से अब क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे सामने ये है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 ओम, दिस इज 20 ओम एंड दिस इज 3 ओम। ठीक है, ऑल दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। मुझसे किसी ने पूछा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, आर इक्विवेलेंट कैसे करते हैं, सीरीज के अंदर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। देखो 2 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 3, तो 2 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 3 आंसर विल बी 3 प्लस 2 10, ओह सॉरी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 इज 35 ओम, आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, ये देखो मेरे पास तीन रजिस्टर्स हैं ऐसे, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम, 2 ओम 4 ओम एंड 6 ओम, क्लियर। माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का पैरेलल, देखो ये पैरेलल दिखता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड है। तो ब्रांच के अंदर अपन को क्या देखना पड़ता है कि पैरेलल होगा। पैरेलल के अंदर क्या फॉर्मूला है, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर वन कितना, टू, वन बाय टू प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय सिक्स, टू फोर एंड सिक्स एलसीएम लेंगे क्या आएगा, ट्वेल्व आएगा, एलसीएम इज ट्वेल्व। So 1 upon R equivalent is equal to 12 LCM आ गया। अब 2 की टेबल में 12 कितने बार, 6 बार, प्लस 4 की टेबल में 12, 3, 6 की टेबल में 12, 2, क्लियर। ऐड करेंगे 6 plus 3 is 9 plus 2 is 11, आंसर इज 11 by 12, 1 upon R equivalent, 1 upon R equivalent की वैल्यू आई 11 by 12। So what is the value of R equivalent, भाई 1 upon R equivalent 11 by 12 है, R equivalent क्या आ जाएगा, 12 by 11 ओम आ जाएगा, दिस इज द आंसर, क्लियर। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स अभी जो अपन ने सॉल्व किए। डाउट्स किसी भी बच्चे को आते हैं, बच्चे डाउट्स आज अपन नहीं लेंगे क्लास में, आपको डाउट्स आते हैं यू कॉल मी एट 6 इन द इवनिंग, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप करो। आज अपन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं क्लास खत्म होने से पहले। चलो ऑन कर ही दो अपेक्षा, यस अपेक्षा, first what is your doubt sir? Sir, I just want to ask that, sir, current remains same and potential divides in series combination, sir, why this occurs? This occurs because see, since the resistors are connected back to back, okay, when one ends other is connected, jo current, jo charge first ke through gaya, kya wahi charge second ke through jayega, kya wahi charge third ke through jayega, this causes that the current remains same in the circuit. But when the potential gets divided, potential is divided hota hai, kyunki Ohm's law ye kehta hai, Ohm's law ye kehta hai, V is equal to IR. Theek hai, agar current tino mein same hai, current dhyan se dekhna, tino mein same hai, that means I1 is equal to I2 is equal to I3, jo bhi tino se current hoga, wo same hoga. Formula rakhenge jab Ohm's law ki wajah se I1, so this becomes V1 by R1 is equal to V2 by R2 is equal to V3 by R3. तो होता क्या है कि सिंस द करंट इज सेम, तो पोटेंशियल इस रेशियो में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये रीजन रहता है। बट याद क्या रखना है, द करंट रिमेन सेम एंड द पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लास को यहीं खत्म करते हैं फटाफट, देखो टाइम बहुत कम है आपके पास। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक ये रजिस्टर है और इसके आगे ऐसे दो रजिस्टर और लगा रखे हैं मैंने,
ये है 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम. मेरे से किसी ने पूछा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ. मुझे क्या दिखता है, मुझे यह दिखता है कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है. पहले हम अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो इस तरफ तो 2 ओम रहेगा ही रहेगा. इन दोनों को सॉल्व करूंगा, आंसर विल बी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2. एलसीएम लेंगे 2, ऊपर बचेगा 1+1, 1/r इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. कितनी आ जाएगी, 1. सो इसको जब सॉल्व करके नीचे रखेंगे ये क्या बन जाएगा, 1 ओम बन जाएगा. अब क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये नीचे आ गया 1 आंसर. नाउ दिस 1 इज इन सीरीज विद दिस 2. इसको फिर से सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 2+1. व्हाई 2+1, बिकॉज नाउ दिस अपीयर इज एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन. तो 2+1 आंसर इज 3 ओम. सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3 ओम. दोबारा देखो, सबसे पहले ये पैरेलल दिखा तो अपन ने इसको सॉल्व किया, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 + 1/2, एलसीएम लिया 2, ऊपर 1+1. जब सॉल्व किया आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 1. इसको यहां पर रीराइट कर लिया, इस तरफ 2 था 2 को वापस नीचे वैसा का वैसा ही लिख दिया. अब ये कैसा दिखता है, सीरीज दिखता है. सीरीज में अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. डायरेक्टली ऐड कर दिया, नीचे क्या आंसर आया, 3 आया.